अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आए हैं कराची जू, और ये पीछे हमारे बह रही है खूबसूरत सी आबशार। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे, और भी हमारे साथ ब्लॉगर जो है ज्वाइन करने वाले हैं। तो कौन कौन हमें ज्वाइन करेगा या आप हमारे साथ रहेगा तो आपको पता चलेगा। तो इंशाल्लाह यहाँ पे बड़ा मज़ा आने वाला है, सब दिखाएंगे। तो हमारे साथ रहेगा। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। जी तो हम पहुंच चुके हैं कराची जू। ये इन्होंने बहुत अच्छा पार्किंग का एरिया बना दिया है, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ अंदर सेफ खड़ी हो सकती हैं। हमारे आने का मकसद आज यूँ है कि सुना यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करें कि यहाँ पे क्या क्या न्यू चीज़ें हुई हैं। ये तो इनका मेन इंटरेस्ट जो देखने में ही इन्होंने बहुत खूबसूरत बना दिया है, और टिकट भी यहाँ का बहुत मुनासिब है। बच्चों का 30 रुपये और बड़ों का 50 रुपये, जो मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है। तो ये इनका मेन इंटरेस्ट है। यहाँ से अभी हम टिकट लेंगे और फिर अंदर चलेंगे और देखेंगे कि और क्या क्या यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। तो हमारे साथ रहिएगा। तो बस अब अंदर चलते हैं। तो गाइस हम ये पहुँच चुके हैं कराची जू। ये देखिए आप ऊपर देख रहे होंगे, ये कितनी अच्छी इन्होंने चटरियों से कवर करा है, और यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं चेयर वगैरह। और ये इन्होंने अभी नया बनाया है, अभी आगे देखें कौन कौन हमारे साथ ज्वाइन करता है। तो हमारे साथ रहेगा, अब आगे चलते हैं। जी तो अभी हम इंटर हुए हैं, तो ये देखें यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, जिसमें टॉयज स्टॉल भी हैं और खाने पीने की भी काफ़ी सारी स्टॉल्स हैं यहाँ पे। और ग्रीनरी वगैरह बहुत खूबसूरत थी, सफाई का भी बहुत अच्छा खास ख्याल है। और ये था यहाँ पे एलिफेंट हाउस। तो जी हम पहुँच चुके हैं एलिफेंट हाउस, और अब आप आपको दिखाते हैं एलिफेंट। बच्चे यहाँ पे काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, इनको अपने हाथों से खाना खिला रहे थे, और जो है बड़ा अच्छा लग रहा था। देख के आपको करीब से दिखाते हैं, ये देखिए। जी इस पोर्शन में ये सारे हैं हिरन। जी उससे आगे थी ये खूबसूरत सी आबशार, और इस आबशार के नीचे था इतना बड़ा सा क्रोकोडाइल, और अच्छा काफ़ी बड़े साइज का ये क्रोकोडाइल था। जी यहाँ पे ये बहुत खूबसूरत इन्होंने मुगल गार्डन बनाया हुआ है, ये हम आपको अंदर से दिखाते हैं। ये देखिए इसकी खूबसूरती। इस पोर्शन में आए थे तो यहाँ पे हैं मुख्तलिफ किस्म के बंदर, जो बाहर के भी यहाँ पे भी हैं, पाकिस्तानी बंदर भी थे। ये देखिए यहाँ पे सब इनका लिखा हुआ था। ये ज़ेब्रा था। यहाँ पर हम आए थे, इतनी खूबसूरत हंस जो पर हिला रहे थे, मैंने स्लो मोशन में देखे, मैंने फिल्माया है, इतने खूबसूरत लग रहे थे ये पर हिलाते हुए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो गाइस अब हम जहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ पे आप बैक साइड पर देखें, ये जो है खूबसूरत बतख है, मेरे ख्याल से हंस भी कहलाते हैं, आई डोंट नो। और देखें इनका साइज, देखें इधर दिखाओ, ये इनका साइज देखें, रील लौटने में, और माशाल्लाह कितने बड़े बड़े हैं यहाँ पे, और आगे छोटे भी हैं उस तरफ भी हैं। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, इस वजह से भी यहाँ पे पानी नहीं है, उन्होंने पानी खुश करा हुआ है। और ये तो आप जानते ही हैं यहाँ पे मशहूर मुमताज़ महल है, जो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। ये टिकट है, टिकट इसका 40 रुपये। तो गाइस हमें अब यहाँ पे जो ज्वाइन कर चुकी हैं वो है सकीना। ये क्या हाल है भाई इनके व्यूअर्स मेरा सैयद के, इनका है सफीना व्लॉग, पूरा सफीना व्लॉग, हाँ सफीना, इनका सफीना व्लॉग है। ये आज इन्होंने मेरे को ज्वाइन करा, अभी देखा और कौन कौन ज्वाइन करता है, अभी इन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया।
अब हम यहाँ से वीडियो जो है कंटिन्यू करते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी जो जो ज्वाइन करता जाएगा आपको दिखाते जाएंगे, तो हमारे साथ ही रहिएगा। तो बस आप देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। सही है जी, ये हैं भालू जिसको इंग्लिश में बेयर भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पे जो है टहल रहे थे क्योंकि ये भी खाना वाना खा के आए हैं। तो अभी ये इस तरफ आते हैं तो हम आपको दिखाते हैं। जी गाइस, तो ये हम पहुंच चुके हैं फिश हाउस। बहुत खूबसूरत यहाँ पे फिशेस थी, ये टाइगर फिश थी जिसपे बिल्कुल टाइगर की तरह निशान थे, और भी बहुत सारी खूबसूरत फिशें थी। यहाँ का कोई टिकट नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आए और आप एंजॉय करें। आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं और इंजॉय करते जा रहे हैं। सर थोड़ी थोड़ी ठंड है तो इसलिए धूप इतनी पता नहीं चल रही। ओह माय गॉड, यहाँ पे आ गए हैं टर्टल्स। ये देखिए गाइस यहाँ पे कौन है। हेलो जी गाइस, तो यहाँ पे ये बैठा था बड़ा सा लॉयन। मैं समझी पहले कि ये नकली है, पर जब करीब से जाके देखा तो पता चला जी ये असली है। बहुत ही खूबसूरत था, कलर शेड वगैरह बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके दूसरे पोर्शन में यहाँ पे था वाइट टाइगर, जो यहाँ पे दो वाइट टाइगर थे, एक की डेथ हो गई है तो ये सिर्फ एक रह गया है। और एक जो ये जो टाइगर थे ये गुस्से में इधर से उधर टहले जा रहे थे, पता नहीं इसको किस बात की टेंशन थी। यहाँ पे आए हैं ये गार्डन में एक म्यूजियम है, यहाँ पे अभी हम अंदर जाएंगे। यहाँ से आपने टिकट लिया है, इसका टिकट है 40 रुपये का। तो अब हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इस म्यूजियम में क्या क्या है। तो ये इसका डोर है और यहाँ से आपको टिकट लेना होगा और यहाँ से अंदर जाके। जी तो ये म्यूज़ियम के अंदर का है। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी खूबसूरत जानवर रखे हुए हैं जो डमीज़ हैं, और देखने में बास तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रियल हैं और अभी हिलना शुरू कर देंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था क्योंकि इतने करीब से इनको देखने को मिल रहा था। तो हम इंजॉय कर रहे थे काफ़ी सारा, और आप लोग भी इंजॉय करें हमारे साथ।
जी तो ये पूरा म्यूजियम था और बहुत खूबसूरत था, साफ सुथरा बिल्कुल, और बहुत अच्छा इन्होंने इसको मेंटेन रखा हुआ है। हमने बहुत इंजॉय करा। अब चलते हैं आगे। जी गाइस, तो यहाँ पे ये एक ट्रेन भी चलती है जो आपको पूरे जू की सैर कराती है, और एक साइड पे यहाँ पे इन्होंने काफ़ी झूले वगैरह लगाए हुए हैं जिसके बच्चे काफ़ी सारे इंजॉय कर रहे थे, बच्चों के साथ बड़े भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। जी यहाँ पे वो बता रहे थे कि अभी काम चल रहा है, अभी और भी यहाँ पे राइड्स लगने वाली हैं, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे झूले लगने वाले हैं, और 2 महीने बाद काफ़ी सारे यहाँ पे एनिमल्स भी आने वाले हैं। तो देखें फिर क्या होता है, जब आएंगे तो हम दोबारा आपको विजिट कराएंगे। अभी जो कुछ था वो हमने आपके साथ शेयर करा, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। इसके बाद हमें किसने इंजॉय करा, चले अब हम उनसे मिलते हैं। और जरूर आइएगा इनके चैनल पे, हम मिलते रहेंगे, ये भी बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। आज हम मैं आई थी ये लेने के लिए, और डायरेक्ट जैसे ऑनलाइन आई और देखा तो सुमेरा से कह रही है हम यहाँ पर हैं। मैंने कहा आ जाइए, हमारे साथ ही बच्चे हैं, हम इस चिड़ियाघर में उड़ते हैं। कहाँ आए थे और किन से मिलने आए थे? जी आप सबके सपोर्ट और प्यार से इतना ही इनको प्यार मिला, माशाल्लाह इनका चैनल मोनेटाइज हो गया। और जी तो ये उज्मा अली ने हमें ज्वाइन कर लिया था, तो वहाँ पे जब ये आई तो हम लोग बातों में इतना मशगूल हो गए, वहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें खाई पी, पर हम बातों में इतने लग गए कि हम वहाँ पे वीडियो बनाने ही भूल गए थे। तो यहाँ पे कुछ क्लिप्स थे जिस पे मैंने सोचा अपने ऊपर से वॉइस कर दूँ। हमने बहुत सारा एंजॉय करा, तफरियां करी, और इसके बाद हम गए स्नैक हाउस। हम एंट्री मार रहे हैं, इनसे मिलवाते हैं आपको, वो दिखाते हैं। जी तो यहाँ पे ये छोटी सी झील थी जहाँ पे छोटी बड़ी बहुत सारी कश्तियाँ चल रही थी, सब इंजॉय कर रहे थे। हमने भी बहुत यहाँ पे आज इंजॉय करा, बहुत मज़ा आया सबके साथ, और यहाँ पे हमने करा था अपने ब्लॉग का एंड। जी गाइस तो बस यहाँ पे हमारा ब्लॉग का करते हैं एंड। आई होप कि आप लोगों को आज का हमारा ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Goodbye guys, take care, Allah Hafiz.